Welcome to Social. Tom Holland has taken the world over since he started playing Spider-Man. He's young, hardworking, and somewhat, he has become a youth icon as well. This is all my fault. I can't save everyone. Tom ne bahut kam age mein success hasil ki hai, but very few people know his journey to this stardom. But don't worry, we are here to tell you everything about Tom's life in this video. इस वीडियो में हम आपको टॉम के बारे में 25 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, कैसे उन्हें स्पाइडरमैन का रोल मिला, वो कौन सी फिल्म थी जिसके बाद टॉम एरोगेंट हो गए थे और उन्हें फिल्म्स मिलना ही बंद हो गई, एंड व्हाट ऑल स्ट्रगल्स ही हैज सीन इन हिज लाइफ। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। हेलो पीटर। नंबर 1, टॉम का बर्थ लंदन में 1 जनवरी 1996 को हुआ था। बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ आर्टिस्ट, टॉम की मदर निकोला हॉलैंड एक फोटोग्राफर रह चुकी हैं और उनकी फादर डोमिनिक हॉलैंड एक पॉपुलर ऑथर और स्टैंड अप कॉमेडियन है। टॉम अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज हैं और आज इतनी फेमस होने के बाद भी वो अपने पेरेंट्स के साथ लंदन में ही रहते हैं। नंबर 2, जब टॉम छोटे थे तो उनको रीडिंग और लर्निंग करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। जब उनके पेरेंट्स ने उनको डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनको डिसलेक्सिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को वर्ड्स और साउंड्स आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये एक कॉमन लर्निंग डिसऑर्डर है और इसमें चाइल्ड को स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत होती है। टॉम के पेरेंट्स ने भी उन पर बहुत मेहनत की और उन्होंने टॉम को हमेशा हर चीज में सपोर्ट किया। टीनेज तक आते आते ही स्टार्टेड टू फील बेटर, पर आज भी उनको लर्निंग और राइटिंग में बहुत डिफिकल्टी है। नंबर 3, टॉम को स्कूलिंग डेज से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट था। उन्हें डांसिंग बहुत पसंद थी और वो स्कूल के इवेंट्स में भी परफॉर्म किया करते थे। उनका फेवरेट डांस फॉर्म बैले था और बैले करना टॉम के लिए थोड़ा मेंटली डिफिकल्ट रहा। होता यूं था कि वो एक बॉय स्कूल में पढ़ते थे और बैले को कुछ लोग एक फेमिनिन डांस फॉर्म की तरह देखते हैं, इसीलिए टॉम की क्लासेस में भी सभी लड़के उनका मजाक उड़ाते थे। बट टॉम न्यू दैट इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डूइंग व्हाट ही लव्स द मोस्ट, सो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया एंड ही कंटिन्यूड फॉलोइंग हिज पैशन। But the spinning was my favorite thing. Yeah, I like spinning. That's one of the things that I adore the most. Number 4. 2006 में टॉम ने अपने स्कूल की तरफ से रिचर्ड डांस फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। इस फेस्टिवल में टॉम को फेमस इंग्लिश कोरियोग्राफर पीटर डार्लिंग के असिस्टेंट ने स्पॉट किया था। वो टॉम की डांसिंग से बहुत इम्प्रेस थे और चाहते थे कि टॉम फेमस इंग्लिश म्यूजिकल बिली एलियट में परफॉर्म करें। बिली एलियट एक प्रेस्टिजियस प्ले है जिसको परफॉर्म करना टॉम का ड्रीम था। इस प्ले के लिए उन्हें सेलेक्ट तो कर लिया गया था, पर इसके लिए उन्हें एटलीस्ट 2 साल तक प्रिपेयर करना पड़ा। फाइनली 2008 में उन्होंने ऑफिशियली इस प्ले में परफॉर्म किया एंड इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम। इस परफॉर्मेंस के बाद ऑडियंस ने उनकी बहुत तारीफ की और बहुत जल्द ही टॉम ऐसे और भी म्यूजिकल्स में परफॉर्म करने लगे। Tom Holland and I play Billy in Billy Elliot the Musical. It all started, I used to go to a street dance club and we did a show in White Lodge, the ballet school. And the headmaster, he spotted me. He was like, we wanted to audition for Billy Elliot. And I was like, oh, fair dues. So, okay, I'll go for it. And then that's pretty much how it started. Number 5. After gaining popularity through his dance and acting, Tom ne decide kiya ki aage wo films mein bhi act karenge. Iske saath saath he was very much active in gymnastics, jiski wajah se unhein Spider-Man ke role mein ek advantage bhi mila. Aise bahut se stunts hain jo Tom ne khud Spider-Man mein kiye hain. Captain, big fan of Spider-Man. Yeah, we'll talk about it later. Just hey everyone. Good job. अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद टॉम ने एज अ डबिंग आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। उनका पहला प्रोजेक्ट था एक जापानीज फिल्म को डब करना जिसका नाम एरियटी था। It's very different. I mean, when I did Billy Elliot, that was very different because it was all about projecting to the top of your voice and to the people at the top of the audience so they don't feel left out. Number 7. As an actor, टॉम ने 2012 में आई फिल्म द इम्पॉसिबल से डेब्यू किया। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने ही टॉम की परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट किया। टॉम को इसके लिए लंदन फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड फॉर यंग ब्रिटिश परफॉर्मर ऑफ द ईयर दिया गया था। First time I met Lucas, I said, my main focus is to make my character as truthful and as realistic to you as possible, and I'm going to try and do your character as much justice. And he went, thank you, that really means a lot. And I hugged him and he said, you did exactly what you said you would do. And for me, I can't describe the feeling. It was so, so amazing. Number 8.
द इम्पॉसिबल के बाद टॉम को कई टीवी सीरीज में भी कास्ट किया गया। टॉम ने अपने करियर के इस टाइम पर रॉन हॉवर्ड जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ भी काम किया। रॉन हॉवर्ड ने टॉम को अपनी फिल्म इन द हार्ट ऑफ द सी के लिए अप्रोच किया था। रॉन हॉवर्ड एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं, जिन्हें फिल्म अ ब्यूटीफुल माइंड के लिए ऑस्कर मिला था। टॉम के लिए उस वक्त ये सबसे बड़ी फिल्म थी और इसी फिल्म के बाद से उन्हें और फिल्म के ऑफर आने लगे थे। नंबर 9, इन द हार्ट ऑफ द सी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी, तो इसीलिए टॉम को अपने करेक्टर पर बहुत रिसर्च करना पड़ा। उन्होंने काफी हिस्ट्री बुक्स पढ़ी और साथ ही साथ फिजिकली भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर इज दैट फॉर द फिल्म ही वाज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन ऑफ हिज फेवरेट एक्टर्स एंड सुपर हीरो क्रिस हेम्सवर्थ, हु यू ऑल नो एज थॉर। टॉम द एवेंजर्स के फैन थे और क्रिस के साथ मूवी करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। लिटिल डिड ही नो दैट कि कुछ साल बाद टॉम खुद द एवेंजर्स का पार्ट होंगे। Avenger now. नंबर 10, टॉम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे इन द हार्ट ऑफ द सी में एक्टिंग करने के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और उसकी वजह से उनको फिल्म्स में काम मिलना बंद हो गया था। टॉम ने कन्फेस किया कि उन्होंने करियर के इस फेज में ऑडिशंस देना बंद कर दिया था। He thought that after doing a film with Ron Howard and Chris Hemsworth, he doesn't need to audition. टॉम ये सोच रहे थे कि अब डायरेक्टर्स खुद उनके पास फिल्म के ऑफर्स लेकर आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। Whenever Tom went to auditions, the casting directors rejected him. नंबर 11, फिल्म्स ना मिलने की वजह से टॉम को कई और जॉब सर्च करनी पड़ रही थी। वी वर शॉक्ड टू नो दिस, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म करने के बाद इट्स रेयर दैट एन एक्टर हैज टू स्ट्रगल। Yahoo.com के एक इंटरव्यू में टॉम ने रिवील किया है कि उन दिनों उन्होंने एक पब में काम करना शुरू कर दिया था, जहां उनकी जॉब क्लीनिंग की होती थी। टॉम कॉल्स इज द वर्स्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। टॉम को स्ट्रगल करते देखकर उनकी मदर बहुत परेशान हो गई और उन्होंने टॉम को कारपेंट्री सीखने के लिए भेज दिया। शी थॉट दैट इट वाज अ गुड बैकअप ऑप्शन। नंबर 12, टॉम जब कारपेंट्री क्लासेस अटेंड कर रहे थे तो उन्हें अचानक से एक ऑडिशन के लिए कॉल आया। ये ऑडिशन स्पाइडरमैन के लिए था एंड टॉम वाज एक्साइटेड कि उन्हें इस ऑडिशन के लिए कंसिडर किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि टॉम के अलावा भी बहुत सारे यंग एक्टर्स को इस ऑडिशन के लिए अप्रोच किया गया था। टॉम को 5 months तक ऑडिशन देने पड़े और तब भी कुछ क्लियर नहीं था। टॉम केप्ट ऑन वेटिंग बट द कास्टिंग डायरेक्टर्स नेवर कॉल्ड हिम बैक। एक वक्त पर तो उन्होंने ऑलमोस्ट उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनको वापस से कोई रिस्पॉन्स भी देगा। बट आफ्टर वेटिंग फॉर अनदर मंथ, टॉम वॉज फाइनली सिलेक्टेड फॉर स्पाइडरमैन। आफ्टर लिसनिंग टू दिस न्यूज, टॉम एंड हिज फैमिली वर इन अ शॉक, क्योंकि स्पाइडरमैन इज अ वर्ल्ड फेमस कैरेक्टर। किसी भी एक्टर के लिए स्पाइडरमैन प्ले करना एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। I want you to be better. I'm gonna need the suit back. But I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Number 13. टॉम को चाइल्डहुड से ही स्पाइडरमैन बहुत पसंद है एंड लुक हाउ लाइफ इज। टॉम इज हिमसेल्फ प्लेइंग स्पाइडरमैन टुडे। टॉम सबसे यंगेस्ट एक्टर हैं जिनको स्पाइडरमैन के रोल में कास्ट किया गया है। ही वाज जस्ट 19 व्हेन ही एक्टेड इन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आज हर कोई टॉम को एज स्पाइडरमैन जानता है और एडमायर करता है, बट डू यू नो इन रियलिटी टॉम को स्पाइडर से बहुत डर लगता है। वेल, दिस इज आयरोनिक। Can you summon an army of spiders? No, Ned, no. Number 14. The character of Peter Parker is quite multidimensional. वो एक middle class American student है और साथ ही एक larger than life superhero भी। टॉम को इस character को करने में काफी difficulty का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो लंदन में बड़े हुए हैं और उनका English accent बहुत अलग है। उनको सबसे पहले American English accent को सीखना पड़ा। Apart from this, to fully understand the challenges and dilemmas of an American school kid, Tom decided to go to an American school as an undercover student. You heard it right. Tom USK Brown High School of Science में एक undercover student बनकर गए थे, जहां पर उन्होंने काफी friends बनाए to understand their life. Well, this is some form of method acting. There was a joke. I suggested to Marvel that I should go to a high school undercover. Right. And it was completely a joke, and Marvel took it completely seriously. I guess they didn't get my British sarcasm. Yeah, they do that. And so the next thing I know, I was like, had a backpack with a pencil case on my way to Bronx School of Science. Oh, boy. Did they let you go to actual class? Yes, yeah, I went to school with a fake name and a fake accent. Did you have a fake mother drop you off at the... शायद इसलिए हम सबको टॉम का पोर्ट्रेल as Peter Parker इतना अच्छा लगता है. What do you think about this approach taken by Tom? Do let us know in the comment section. Were you able to connect with Peter Parker's school life issues in Spider-Man?
All right, kid. Where are you from? Queens. Brooklyn. Number 15. एक इंटरव्यू में टॉम ने बताया कि उनको सारी मार्वल मूवीज में से आयरन मैन सबसे ज्यादा पसंद है. He thinks that this film is one of the greatest superhero movies. उनका मानना है कि आरडीजी के अलावा टोनी स्टार्क का कैरेक्टर कोई भी नहीं प्ले कर सकता है. एंड वेल, वी कैन ऑल एग्री ऑन दिस. आरडीजी सीम्स लाइक ही वाज डेस्टिन्ड टू प्ले आयरन मैन. यू वन मिस्टर स्टार्क. यू वन मिस्टर स्टार्क. नंबर 16. जैसा कि हमने आपको बताया कि टॉम के फादर डोमिनिक हॉलैंड एक ऑथर है. उन्होंने रिसेंटली टॉम की लाइफ पर एक बुक भी लिखी है. इस बुक में वो बताते हैं कि कैसे टॉम को स्ट्रगल करना पड़ा, कैसे उनको स्पाइडरमैन का रोल मिला और कैसे वो आज एक यूथ आइकन बन चुके हैं. टॉम हॉलैंड फैंस शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक टू नो मोर अबाउट हिम. नंबर 17. स्पाइडरमैन के अलावा टॉम ने और भी बहुत मूवीज में काम किया है. रिसेंटली टॉम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर द डेविल ऑल द टाइम में नजर आए थे. इस मूवी में वो एक बहुत ही डार्क और साइकोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले करते हैं. एंड हिज फैंस वर सरप्राइज्ड कि उन्होंने ऐसा रोल चूज किया. वी हाईली रिकमेंड कि ये फिल्म आप जरूर देखें. एंड इट आल्सो फीचर्स रॉबर्ट पैटिनसन एज अ विलन. इस रोल को करने के लिए टॉम ने स्पेशली अपने एक्सेंट और लैंग्वेज पर बहुत वर्क किया था. I'm not a bad person, Sheriff. That preacher wasn't no good. He hurt my sister so bad. She killed herself, Sheriff. I had no choice. Number 18. Apart from this, Tom, Russo Brothers director Cherry may be as a main lead nazar aaye the. यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चेरी में टॉम एक सोल्जर का रोल प्ले करते हैं और उसकी प्रेपरेशन के लिए ही हैड टू गो थ्रू रिग्रेस मिलिट्री ट्रेनिंग. फिल्म का एक इम्पोर्टेंट सीक्वेंस शूट करते वक्त टॉम ने अपना एंकल डिसलोकेट कर लिया था. इसकी वजह से वो बहुत पेन में थे और वो शूट का लास्ट डे था. सो इवन विद हिज एंकल बीइंग ट्विस्टेड, टॉम मैनेज्ड टू कम्प्लीट हिज शूट. दिस इंसिडेंट शोज अस कि टॉम अभी से ही कितने हार्ड वर्किंग एक्टर हैं. दैट इवन व्हाइल बीइंग इंजर्ड ही डिसाइडेड टू कम्प्लीट हिज सीन. I'm 23 years old and sometimes I wonder if life was wasted on me. Number 19. In an interview, Tom opened up about his all-time favorite movies. He said he loves the film Primal Fear. Tom ko ye film ek perfect crime thriller lagti hai aur wo isko frequently dekhte rehte hain. Apart from this, he also likes films like The Departed and James Cameron's Avatar. Number 20. Tom is such a big fan and admirer of Spider-Man that he has a tattoo of the superhero on the bottom of his foot. Tom ko film Jumanji ke liye bhi approach kiya gaya tha, magar Spider-Man Homecoming ki shooting ki wajah se Tom couldn't do the film. Later his role went to Nick Jonas. It would have been a great experience to see Tom in Jumanji. Feel like I could be doing more. You know, I'm just curious when the next real mission is going to be. So yeah, just call me back. Number 22. Tom is known for his being quite open in his interviews. Ek interview mein unhone reveal kiya about his crush. He said that he has a crush on his Marvel co-star Elizabeth Olsen, who plays Scarlet Witch. Fans aaj bhi dono ki video compilations banate hain, and everyone is hoping ki future mein we get to see them in a film together. Number 23. Tom ek bahut hi punctual actor hai. इसका एविडेंस हमें इस इंसिडेंट से पता चलता है कि टॉम ने 2019 में एवेंजर्स एंड गेम का प्रीमियर मिस कर दिया था. वो उस वक्त फिल्म क्योस वॉकिंग की शूटिंग पर बिजी थे, सो ही मेड श्योर कि उनकी फिल्म का शूट कैंसिल ना हो. शायद कोई और एक्टर होता तो वो इतनी बड़ी फिल्म का प्रीमियर कभी मिस नहीं करता, बट फॉर टॉम वर्क ऑलवेज कम्स फर्स्ट. Number 24. Tom's first major film as a lead was Spider-Man Homecoming. Spider-Man ke is reboot version ko critics aur audience dono ne hi kafi appreciate kiya tha. Is film ke liye Tom was paid around $500,000. Is film ki scale aur popularity ko dekhte hue ye ek kam amount hai, lekin as Tom got popular among the masses, so his salary was raised. Tom ko Avengers Infinity War ke liye around $3 million पे किए गए थे. इट इज बिलीव्ड बाय न्यूमरस मीडिया पोर्टल्स कि टॉम ने नो वे होम के बाद अपनी फीस 4 times इंक्रीज कर दी थी. बट दिस इज जस्ट फॉर मार्वल फिल्म्स. फॉर हिज अदर मूवीज ही नेवर फोकसेस ऑन द मनी बट ओनली फोकसेस ऑन द कंटेंट ऑफ द फिल्म. नाउ वी कैन कॉल दिस सम स्मार्ट वर्क. नंबर 25.
टॉम की अपकमिंग फिल्म स्पाइडरमैन के अलावा अनचार्टेड होने वाली है। इन दिस फिल्म ही प्लेज द रोल ऑफ अ ट्रेजर हंटर और इस फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। गेमर्स इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन अ फेमस गेम कॉल्ड अनचार्टेड। आर देयर एनी अनचार्टेड प्लेयर्स आउट देयर? डू ड्रॉप अ कॉमेंट। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।